म्यूजिक सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। ओके गाइस, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो अब लोग बढ़िया होंगे। गाइस, आप कुछ इस प्रकार का वीडियो रिटेन करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। गाइस, कुछ इस प्रकार का एडिटिंग करने के लिए एलाइन मोशन ऐप की ज़रूरत है। आपके पास एलाइन मोशन ऐप नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एलाइन मोशन ऐप का लिंक दे दिया, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए गाइस, बढ़ते हैं एडिटिंग की तरफ। पहले आप एलाइन मोशन ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करके 9x16 साइज सेलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से कुछ फोटो को एडिट करना है। तो फोटो एडिटिंग में प्लस आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है। यहाँ पर आपको जितने भी आपका फोल्डर है सभी फोल्डर यहाँ पर शो करेगा। फिर आपको जिस फोल्डर पर फोटो है उस फोल्डर को यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको एक फ़ोटो यहाँ से चूज कर लेना है। चूज करने के बाद ऊपर 3 डॉट पर जाके फिल कंपोजिंग एरिया करना है। एरिया करने के बाद यहाँ पर सीआर आइकन पर क्लिक करके करंट फ्रेम इमेज PNG पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना है। यहाँ पर एक्सपोर्टिंग हो रहा है गाइस, तो कुछ थोड़ी देर वेट करने के बाद आपको यहाँ पर सेव आइकन दिखाई देगा। फिर सेव आइकन पर क्लिक करके सेव करके फोटो को सेव कर लेना है। फिर इस फोटो को डिलीट करके फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करके मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद यहाँ से एक फ़ोटो सेलेक्ट करना है। फिर 3 डॉट पर जाके फिर कंपोजिंग एरिया करना है। फिर से आपको गाइस इस सीआर आइकन पर क्लिक करके करंट फ्रेम इमेज PNG पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना है। गाइस, कुछ इस तरीके से आपको 7 फोटो को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है गाइस। तो गाइस, मैं 7 फोटो को जल्दी जल्दी एक्सपोर्ट कर लेता हूँ गाइस। तो गाइस, यहाँ पर 7 फोटो को मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। फिर आपको यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और इसको आप डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद ये जो इफेक्ट और सॉन्ग बीट मार्क, इस दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाके लाइन मोशन में इम्पोर्ट कर लीजिए। इम्पोर्ट करने के बाद आपको सिंपली सॉन्ग बीट मार्क को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाएगा, यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर 6:24 पर यहाँ पर आपको ग्रुप 2 दिखाई देगा। यहाँ पर ग्रुप 2 से आपको फोटो एडिट करना होगा। तो ग्रुप 2 पर आपको क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे आना है। एडिट ग्रुप पे जाने के बाद यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद यहाँ से आपको एलाइन मोशन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से एक फ़ोटो को यहाँ से चूज करना है। चूज करने के बाद आपको इस आइकन पर क्लिक करके कॉपी लेयर पर क्लिक करके फ़ोटो को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको इस आइकन पर क्लिक करके सेलेक्ट ऑल लेयर पर क्लिक करना है। फिर सही आइकन पर क्लिक करके पेस्ट स्टाइल पर क्लिक करके सारे को अनटिक करके पेस्ट कर देना है। तो वैसे देखिए, यहाँ पर जितने भी लेयर था वो सभी लेयर में एक ही बार में फ़ोटो ऐड हो गया गाइस। तो इस तरीके से आपको जितने भी लेयर है, सॉरी जितने भी ग्रुप है, सारी ग्रुप में आपको सेम तरीके से कुछ अलग अलग फ़ोटो ऐड करना है। तो ग्रुप 3 पर टैप करते हैं। चले गए, फिर एडिट ग्रुप पे जाना है। एडिट ग्रुप पे जाने के बाद यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से आपको एक फ़ोटो चूज करना है। चूज करने के बाद इस आइकन पे क्लिक करके कॉपी लेयर पर क्लिक करके फ़ोटो को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद इस आइकन पे क्लिक करके सेलेक्ट लेयर पर क्लिक करना है। फिर से इस आइकन पे क्लिक करके पेस्ट स्टाइल पर क्लिक करके सारे को अनटिक करके पेस्ट कर देना है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर भी सेम तरीका मैंने अप्लाई कर दिया। तो गाइस, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ फ़ोटो ऐड करना है। तो एक एक ग्रुप में आपको एक एक फ़ोटो सिंपली से ऐड करना है। तो आप फ़ोटो ऐड करने का तरीका अच्छे से देख लो, फिर आप भी सीख जाएगा गाइस। तो एक फ़ोटो ले लिया गाइस, फिर से आपको सेम तरीका कॉपी लेयर, फ़ोटो को डिलीट, फिर से आइकन, फिर सेलेक्ट ऑल लेयर, फिर पेस्ट स्टाइल पर क्लिक करके ये जो ब्लू है उसको आप अनटिक कर देंगे, ये जो पेस्ट कर देंगे गाइस। सेम तरीके से आपको फोटो ऐड करना है गाइस। यहाँ पर 5 नंबर ग्रुप पे चलते हैं गाइस। एडिट ग्रुप पे आना है, सेम तरीके से प्लस आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से आपको एक फ़ोटो चूज करना है। चूज करने के बाद इस आइकन पे क्लिक करके कॉपी लेयर पर क्लिक, फ़ोटो को डिलीट, फिर इस आइकन पर सेलेक्ट ऑल लेयर, फिर इस आइकन पर क्लिक करके पेस्ट स्टाइल पर क्लिक कर सारे को अनटिक करके पेस्ट। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको फ़ोटो ऐड कर लेना गाइस। ठीक है, फिर आपको मैं जो 2 लेयर है उसको फ़ोटो ऐड करने के बाद आपको अगले का पार्ट बता दूँ गाइस। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर जितने भी ग्रुप है सभी ग्रुप में मैंने फ़ोटो ऐड कर लिया सेम तरीका से। तो यहाँ से आपको बैक कर लेना है।
बैक करने के बाद आपको चले जाना है इफेक्ट पर। इफेक्ट पर जाने के बाद यहाँ से आपको आर्ट लेयर दिखेगा, इस लेयर को आपको कॉपी करना है। तो कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, सिलेक्ट ऑल लेयर करना है और जो नीचे वाले फोटो है उसको अनटिक कर देना है। फिर से सेकंड पे क्लिक करके कॉपी एड लेयर कर देना है। करने के बाद आपको यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद सॉन्ग बीट मार्क पर जाना है। सॉन्ग बीट मार्क पर जाने के बाद ये थोड़ा लैग कर रहा है, तो जाने के बाद आपको इस अकाउंट पे क्लिक करके पेस्ट एड लेयर कर देना है। पेस्ट एड लेयर कर देने के बाद ये जो आपको एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपको डिलीट करना है। तो कैसे डिलीट करना है, तो आपको इस सिंपली इस एड लेयर को एक बार लॉन्ग प्रेस करके आपको सेलेक्ट कर लेना है 7 और 8। इसको क्लिक करने के बाद आपको ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद आपको इस शेयर आइकन पे क्लिक करके आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। तो गाइस देखिए यहाँ पर वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो कैसा लगा इस बात पे कमेंट भी कर दीजिए। चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।